हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया पीतमकुर में। आज IBPS RRB PO मेंस का एग्ज़ाम था। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने आज मेंस का एग्ज़ाम दिया है। RRB PO मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो रीजनिंग में मैक्सिमम स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे अटेम्प्ट आज देखने को मिले हैं। चाहे RRB क्लर्क का एग्ज़ाम हो या फिर RRB PO का एग्ज़ाम हो, दोनों में ही रीजनिंग काफ़ी अच्छा देखने को मिला था। और आज की रीजनिंग में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड भी देखने को नहीं मिला है। वहीं अगर क्वांट की बात करें तो क्वांट अब प्री एग्ज़ाम में भी थोड़ा सा मॉडरेट देखने को मिलने लगा है, तो मेंस एग्ज़ाम में तो उम्मीद कर ही सकते हैं। तो आज क्वांट मॉडरेट ज़रूर था, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के थोड़े से अच्छे अटेम्प्ट भी देखने को मिले हैं। अब जिनकी प्रैक्टिस रही है क्वांट की, उनके ठीक ठाक अटेम्प्ट भी आज हुए हैं। अब अदर दो स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात करें, GA और कंप्यूटर, तो आज बिल्कुल भी आसान देखने को नहीं मिला है। अब यहाँ दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं, एक क्वेश्चन का सिलेक्शन और दूसरा एक्यूरेसी। तो जिनका एक्यूरेसी पर फोकस रहा है, उनके GA और कंप्यूटर में थोड़े से कम अटेम्प्ट जरूर हुए होंगे, लेकिन वो थोड़े से कम अटेम्प्ट बेहतर हैं उन ज़्यादा अटेम्प्ट से जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा आते हैं। क्योंकि GA और कंप्यूटर करते टाइम क्या होता है कि हाथों पर कंट्रोल नहीं रहता है, हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लगा आते हैं। तो ये गलती जिन स्टूडेंट्स ने नहीं की है, एक्यूरेसी का ध्यान रखा है, और अगर आपके थोड़े से कम अटेम्प्ट भी हुए हैं तो इसका फ़ायदा भी आपको मेंस रिजल्ट में ज़रूर देखने को मिलेगा। वहीं अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी थोड़ी सी मॉडरेट देखने को मिली है। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने हिंदी अटेम्प्ट किया था, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि हिंदी का लेवल आपको क्या देखने को मिला है और क्या आपके अटेम्प्ट रहे हैं। मैंने एक ओवरऑल जो पोल है वो भी कंडक्ट कराया था, तो 100 से 130 के बीच में लगभग 28% स्टूडेंट्स बनाकर आए हैं। अटेम्प्ट तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के अच्छे हुए हैं, लेकिन यहाँ एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर वैकेंसीज की बात करें तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन काफ़ी सारे स्टेट्स में वैकेंसी इस बार कम है, और प्री कट ऑफ में भी इस बार हमें इंक्रीज देखने को मिला था काफ़ी सारे स्टेट्स में। किसी में लगभग 4 नंबर, 5 नंबर, यूपी की बात करें तो लगभग 8 नंबर इंक्रीज़ हुई थी प्री में। तो मेंस में भी इस बार थोड़ी सी बढ़ोतरी हमें कट ऑफ में देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रहेगा वो रहेगा कट ऑफ से डिफरेंस, क्योंकि ये क्लर्क का एग्ज़ाम तो है नहीं कि कट ऑफ क्लियर कर ली और जॉब आपके हाथ में। तो यहाँ जितना डिफरेंस आपका कट ऑफ से रहेगा RRB PO में, उतना ही फ़ायदा आपको इंटरव्यू में मिलेगा और उतना ही फ़ायदा आपको फाइनल रिजल्ट में भी मिलेगा। तो जिनके 100 या इससे ज़्यादा अटेम्प्ट है, एक्यूरेसी अच्छी रही है, तो बिल्कुल आपको इंटरव्यू पर फोकस करना चाहिए, और साथ साथ में जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उन पर भी आपको फोकस करना चाहिए। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने आज RRB PO मेंस का एग्ज़ाम दिया है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके टोटल अटेम्प्ट क्या रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज आपके क्या क्या अटेम्प्ट रहे हैं, और RRB PO आपने किस स्टेट से अप्लाई किया था। बाकी आपके स्टेट में कितनी वैकेंसीज़ हैं इस बार लास्ट ईयर के कंपैरिजन, तो ये भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।